नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी जी। भरगमा अंतर्गत पंचायत हरिपुर कला वार्ड नंबर 8 में अभी हम हैं। कई बार समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण आम जन परेशान है। मामला आगजनी का हर जगह होते रहता है, चाहे रानीगंज का कोई भी पंचायत ले लीजिए, रानीगंज विधानसभा का कोई भी पंचायत हो, ये सातों पंचायत बैनाथपुर खुटा, धनेश्री, वीरनगर पश्चिम, वीरनगर पूर्व और जो वहाँ का और पंचायत है, नया भरगमा हो गया, हरिपुर कला हो गया, इस तरीके का जैसे बिसरिया पंचायत है, ये सारे पंचायतों में अगर अगलंगी का कांड हो तो वहाँ पे अग्निशामक केंद्र नहीं है। सवाल बनता है, कई बार सवाल को उठाते हैं, लेकिन यहाँ के नेता, चाहे यहाँ के विधायक हो या फिर यहाँ के जो भी नेता हो, कोई इस पर बात करना नहीं चाहता है। स्टेडियम बनाने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अग्निशामक केंद्र हो इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, न किसी का ध्यान जाता है। सारे नेतागण सिर्फ अपना रोकड़ा बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आम जनता की परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। सवाल बहुत बड़ा है, नहीं तो इसको इग्नोर करके सारे आदमी 70 साल आजादी के बाद से लेकर के अब तक यही हाल है। अब सवाल बनता है कि कहीं भी आग लग जाए तो वहां पर अगर नजदीक में अग्निशामक केंद्र हो तो तुरंत अग्निशामक आकर के उस आग को बुझाने का कार्य करता है, लेकिन ऐसे में आज ये वार्ड नंबर 8 और खास करके हरिपुर कला के नेता जो समिति है उनके यहाँ आग लगी है, उनका घर जला है, ये समझने वाली बात है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आग लगी और क्या यहाँ का सूद बूद अभी तक सीओ साहब के पास गया कि नहीं, यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन करने आया कि नहीं, या फिर यहाँ के मुखिया या सरपंच यहाँ तक पहुंचे कि नहीं, ये सारे सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। और क्षेत्र में इसी तरीके से होता रहता है, किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कहीं आग लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी को मतलब नहीं है। खास करके यहाँ के विधायक जो है अजमित ऋषि जी को ये कई बार आवाज गया कि यहाँ पे अग्निशामक केंद्र हो, लेकिन उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि नाम मेलोन बाबा नंदलाल मुखिया कना आग लगलो नहीं आप आग लग ले वैसा उधर से उस घर से शुरू हुआ वही घर से आग किस तरीके से लगी ये पता नहीं है पता नहीं है पता नहीं है जब कोई क्या बज रहा था रात करीब करीब 2:30 बजे बाबा आपका क्या आपको किस तरीके से समझ में आग लग गया वही नाम मिले तो श्री राम जी मुखिया जी करने का प्रयास करते हैं। यहाँ के जो मित्री साहब हैं उनके जो पदपति जी से बात करते हैं कि क्या मामला रहा था। अब बताइए आप विस्तार से कि किस तरीके से आग लगी। आग रात के 2 बजे में जब जैसे हल्ला बच्चा लोग किया तो हम लोग पहुँचे तब तक में आग लगल था। अच्छा। तो हम लोग सोचे घर को बचाने के चक्कर में रहेंगे तो ट्रैक्टर यहाँ से नहीं निकाल सकेंगे जी। ट्रैक्टर को निकालने के बाद जैसे हम लोग को समय मिला जैसे तैसे लोग पहुँचा बचाने का काम किया, अभी तक में बचा लिए हैं। जहाँ तहाँ भी फोन किए हैं अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, प्रतिनिधि का काम में प्रतिनिधि भी नहीं आता है। ये तो हरिपुर कला का एक परंपरा हो गया है कि कहीं पर कुछ है नहीं। कुछ आपको है। बता दें कि हरिपुर कला में जितना भी नेता है सिर्फ नाम का है, इसमें चाहे वो मुखिया हो या सरपंच हो, कोई भी हो, यहाँ पे किसी से किसी को मतलब नहीं है। जनता मर जाए लेकिन सूद लेने नहीं पहुँचता है। आप ये बताइए कितना चीज नुकसान हुआ यहाँ। नुकसान जहाँ से आग लगी है जिस घर में जी, उसमें 2-3 बकरी हैं अभी वर्तमान में। वो आपका आपका ही दियाद है? मेरा ही छोटा भाई है। अच्छा, क्या नाम है उनका? सुभकलाल मुखिया जी जी। इसके बाद उस घर से आग जब जैसे मेरा घर में आया तो मेरा जो है 4 केवारी का जो है सामान था उसी में था, वो भी जल गया।
इसके बाद सेक्शन पाइप भी था और नया घर बने, यानी घर में जितना सामान था सब जल। अच्छा, ये छीटा था टीन के ऊपर में छीटा था, उसके ऊपर लदा हुआ था। अच्छा, कुछ कैश वगैरह ज्वेलर्स वगैरह भी और ये सब चीज कैश नहीं था, कपड़ा जो ठंडी का था सब परिवार का सब उसी में था, सब उसी में था। अच्छा अच्छा, तो उधर से आग लगी और यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक मतलब ये कि अगर से आप लोग तत्परता नहीं दिखाते तो आपका बहुत सारा चीज नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल अभी कितने का आंकड़ा लगा जाए आपका नुकसान का? लमसम सर 30 से 40 हजार का इधर है, 1 लाख रुपया घर बनाने में लगा था, इसमें घर बात भी नहीं किया। मतलब कि अभी तक घर बात भी नहीं किया, घर चल के राख हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विकास मुखिया जी। जी धन्यवाद आपका। और आप बताइए किस तरीके से कहा जाए, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से तो यही मांग चाहते हैं, हमारा अग्नि केंद्र जो विभाग होता है वो नजदीक में हो, कम से कम 7 पंचायत के बीच में हो जाए, कि इसलिए कर उस इसलिए करके कि हमारा पंचायत बच सके। जी जी, लेकिन ये काम तो नहीं होता है, लेकिन ये करना चाहिए प्रतिनिधि को। क्या कहना चाहेंगे खास करके आप विधायक से? हाँ, विधायक से कहना चाहते हैं कि अग्निवीर का यहाँ तैयारी कीजिए। अच्छा, अग्निवीर का यहाँ जो दमकल लगता है लगवाइए, यहाँ उसका डेरा दीजिए, जो जो हम लोग का पब्लिक का जनता का घर बच सके। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम मधुबलाल मुखिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके हिसाब से कितना का नुकसान हुआ होगा यहाँ पर? मेरा नाम कुंदन कुमार मुखिया जी। वहाँ 2 गो बकरी था, चौकी था, 2 गो बच्चा सोया हुआ था, मशीन था, ये सब जो है नुकसान। बच्चा सब ठीक ठाक बच गया? बच्चा सबको निकाल लिए सुरक्षित, बाकी घर में जितना सामान था वो जल के राख हो गया। अनाज वगैरह भी जला, अनाज हम देख रहे थे, धान वगैरह भी था सब जल गया। जी जी जी, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आइए, आप यहाँ की समिति है और यहाँ पे मुखिया भी है, सरपंच भी है, यहाँ विधायक भी है, जिला परिषद भी है, लेकिन कोई अभी तक यहाँ आपके पास आया? सर साहब को हम फोन कर दिए, कोई अभी तक नहीं आया है। कोई नहीं आया? कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस बीच में, ये रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में ये 7 पंचायत पड़ता है, बैजनाथपुर खुटा से लेकर के यहाँ तक हरिपुर कला तक, तो आप क्या अग्नि जो सामक केंद्र होता है उसका किस तरीके से मांग और किससे मांग करते हैं? जो प्रतिनिधि है, सरपंच, जो विधायक है, विधायक है वो सब आकर के यहाँ चल करके पहले देखते क्या सब जला, बच्चा जला कि मनुष्य जला, आकर के यहाँ देखते। कोई ना आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं, कोई ना आया है। मेरा समिति को क्या हुआ कि नहीं हुआ, मर गया कि जल गया, वो अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? नहीं आया है जी। क्या नाम हुआ आपका? राजमणि देवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कहीं का भी मामला हो, चाहे इस 7 पंचायत में कहीं भी अग्निकांड अगर हो रही है, वहाँ के जो जनता है उनका मांग यही रहता है कि यहाँ अग्निशामक केंद्र हो। और अभी तक खास करके पंचायती राज जब से 2000 से बनी है तब से लेकर के अभी तक मांग उठती रही है, लेकिन यहाँ पे अग्निशामक केंद्र होने का नाम नहीं है। लेकिन ये स्टेडियम बन के तैयार है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, जो काम का नहीं था वो बन गया, लेकिन जो पब्लिक हित में है वो काम नहीं होते। सरकार ही ऐसा है, अब सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ किस चीज की जरूरत है उसको पूरा करे, आम जन को किससे फायदा हो वो पूरा करे। अभी तक यहाँ थाना फाड़ी का मांग होता रहा, लेकिन थाना फाड़ी अभी तक नहीं बना है, अग्निशामक केंद्र नहीं बना है। ये सारा सवाल है खास करके विधानसभा क्षेत्र रानीगंज के इन 7 पंचायत में, जिसका बहुत दरकार है। और खास करके यहाँ के नेतागण से हम कहना चाहेंगे कि कम से कम विधानसभा में इसकी बात उठाई जाए, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, जो सत्ताधारी अध्यक्ष है, वो भी इस पे ध्यान दे। हरिपुर कला, वार्ड नंबर 8 से MS प्रदेशी।